पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेक्चर के द्वारा जो अध्ययन करेंगे वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के संपूर्ण विचारों और उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और क्यों आपके ये यूजीसी नेट सिलेबस में इसे अपनाया गया है, इसे जारी किया गया है, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जो वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं एक अंग्रेजी महिलाज्ञ लेखक और दार्शनिक थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वुमेन थी, ठीक है, तो थी। और ये जो थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये मुख्यतः एक महिला विचारक थी जो कि फेमिनिस्ट थी, यानी महिला विचारों की या महिला अधिकारों की घोर समर्थक थी, ठीक है। और इन्होंने अपने विचारों के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर आंदोलन किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरजोर आंदोलन किया और समाज में यह धारणा ये प्रचलित करने की कोशिश की कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से किसी भी तुलना में कम नहीं हैं और महिलाएं हर मामले में पुरुषों के समान ही हैं और अगर इन्हें पूरा अधिकार दिया जाएगा तो ये अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकती हैं और अपने दम पर समाज को एक नई दिशा प्रदान भी कर सकती हैं, ठीक है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने विभिन्न शैलियों में लिखा था, लेकिन यह महिलाओं के दार्शनिक काम ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती हैं। तो आप लोग चाहें तो इनके ये ग्रंथ को या इनके द्वारा लिखे लेख को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखी गई रचना है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक सम्मेलनों को चुनौती दी और प्रतिबंधित सामाजिक मानदंडों की आलोचना की, जो समाज में जो प्रतिबंधित सामाजिक मानदंड थे उनकी आलोचना की मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में, क्योंकि समाज में आम धारणा थी कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कम आंकी जाती थी, महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी रचनाओं द्वारा, अपने ये आंदोलन द्वारा कि समाज को ये चुनौती दी कि महिलाएं किसी भी स्तर में पुरुषों से कम नहीं हैं। उनके काम जिसमें यह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के लिए वकालत करती हैं और नारीत्व की धारणा के पारंपरिक और रूढ़िवादी विचारों की आलोचना भी करती हैं। देखिए लिखा है ना, ये जो थी जो समाज में परंपरा थी जो नारियों को या स्त्रियों को पुरुषों से कम आंका जाता था, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति वे जागरूक नहीं थी, उनके अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किए जाते थे, जो समाज में रूढ़िवादी विचार थे उनकी ये घोर आलोचक थीं और आधुनिक दिव्यवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को, और आधुनिक नस्लवादी सिद्धांत के साथ स्पष्ट अनुनाद पर हमला करती हैं इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं। देखिए नस्लवाद क्या है, महिला को पुरुषों के समान अधिकार कभी नहीं प्रदान किया जाता था, ये प्राचीन काल में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम आंका जाता था, तो ये महिला आंदोलन की घोर प्रणेता थी और महिला अधिकारों की घोर समर्थक भी थी। प्रचलित सामाजिक सम्मेलनों के विरोधाभास में वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक लेखक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। एक संस्थापक फेमिनिस्ट दार्शनिक के रूप में वॉलस्टोनक्राफ्ट के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन शामिल हैं। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन शामिल हैं, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ वीमेन होगा, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन शामिल हैं, जो ब्रिटिश संसद के एडमंड बर्ग द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचनाओं की प्रतिक्रिया है। ये वास्तव में क्या है, इस रचना में किस बात पर प्रकाश डाला गया है, ये ब्रिटिश संसद के एडमंड बर्ग द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचनाओं की के ऊपर एक प्रतिक्रिया है। शुरुआत में 1790 में अनामित रूप से इसे प्रकाशित किया गया था, जिसे 1790 के दशक में शुरुआत में अनामित रूप से, यानी इसका कोई टाइटल नहीं था, इसी रूप में इसे प्रकाशित किया गया था इस ग्रंथ को।
शुरू और इसको जो प्रकाशित किया गया था, और जो इसका दूसरा संस्करण था उसमें वोलस्टोन क्राफ्ट को लेखक के रूप में पहचाना गया। जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन का जब दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, तो उसमें वोलस्टोन क्राफ्ट को एक लेखक के रूप में पहली बार पहचान मिली। वोलस्टोन क्राफ्ट को एक लेखक के रूप में पहली बार पहचान मिली कब? जब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इस काम में वोलस्टोन क्राफ्ट ने गणतंत्र के विरोध में रिपब्लिकन वाद की वकालत की और वंशानुगत विशेषाधिकार के लिए वर्क के समर्थन पर हमला किया। जो एडमंड बर्क ने जो ये एडमंड बर्क का जो फ्रांसिस ये द्वारा जो फ्रांसीसी क्रांति किया गया था, जो एडमंड बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति पे जो विचार प्रस्तुत किए थे उस पर उन्होंने उनके जो एडमंड बर्क ने वंशानुगत विशेषाधिकार का ये की वकालत की थी, और जो गणतंत्र के विरोध में रिपब्लिकवाद की इन्होंने जो वकालत की थी एडमंड बर्क ने, इसमें वोलस्टोन क्राफ्ट ने अपने रचना के दूसरे संस्करण में एडमंड बर्क के इन्हीं विचारों पर हमला किया था। यानी एडमंड बर्क के गणतंत्र के विरोध में जो एडमंड बर्क ने रिपब्लिकवाद की वकालत की थी और वंशानुगत विशेषाधिकार का उन्होंने समर्थन किया था एडमंड बर्क ने, तो अपनी रचना के दूसरे संस्करण में मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट ने उसी पर घोर प्रहार किया था एडमंड बर्क द्वारा प्रतिपादित विचारों पर। 1792 में वोलस्टोन क्राफ्ट ने महिलाओं के अधिकारों का एक विरोधाभास लिखा जिसका नाम था राजनीतिक और नैतिक विषयों पर सख्तता के साथ। इस काम ने इस तर्क को उन्नत किया कि महिलाओं को पुरुषों के साथ समान पैर पर अधिकार दिए जाने चाहिए। क्या उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के साथ समान तरह के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और राजनीतिक शक्ति और वंशानुगत विशेषाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है, जबकि बहस करते हुए महिलाओं और पुरुषों के कारण के लिए समान झुकाव है। और महिला शिष्टाचार में क्रांति इस ग्रंथ में क्या प्रकाश डाला गया कि जो महिलाओं को वंशानुगत विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए, उन्हें राजनीतिक शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। तो इस ग्रंथ में इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई थी। तो इस तरह से ये आधुनिक नस्लवादी विचारों में एक बेहद प्रभावशाली योगदान था उनके द्वारा। क्रांतिकारी वर्षों के दौरान वोलस्टोन क्राफ्ट फ्रांस चली गई थी, जहां उन्होंने फ्रेंच लुईस 16वें को फ्रांसीसी नेशनल असेंबली से पहले अपने मुकदमे में ले जाया गया, जहां इनको वोलस्टोन क्राफ्ट को ये फ्रांस गई थी और जहां पे इनकी सुनवाई हुई थी फ्रेंच लुईस 16वें के फ्रांसीसी नेशनल असेंबली में। इन्होंने खुद को गिरोहिंस से जोड़ा और एक राजनीतिक गुट जो कि जैकोबिन की तुलना में कम कट्टरपंथी होने के लिए जाना जाता था उससे इन्होंने खुद को जोड़ा। महिलाओं के समान अधिकार प्रदान करने और क्रांति से पहले मौजूद महिलाओं की भूमिका पर प्रतिबंधक विचारों के प्रति उनका पालन करने के लिए जैकोबिन की विफलता के साथ वोलस्टोन क्राफ्ट को स्पष्ट रूप से असंपीड़ित किया गया था। देखिए जैकोबिन जो थे वो उन्होंने भी महिला अधिकारों के लिए एक आंदोलन छेड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। चूँकि वोलस्टोन क्राफ्ट भी महिला अधिकारों की कट्टर समर्थक थी और ये चाहती थी कि समाज में समान रूप से महिलाओं को अधिकार प्राप्त हों, पुरुषों के समान ही महिलाओं को एक समान अधिकार, जैसे पुरुषों को अधिकार प्राप्त थे समाज में, वैसे ही महिलाओं को भी एक समान पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हों, तो इसी का समर्थन किया था जैकोबिन में। लेकिन ये उस आंदोलन में पूरी तरह से सफल नहीं हुए, तो इसी कारण से वोलस्टोन क्राफ्ट भी चूँकि वो ये महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी, तो इसमें वोलस्टोन क्राफ्ट को शुरुआती तौर पर पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। महिलाओं के समान अधिकार प्रदान करने और क्रांति से पहले मौजूद महिलाओं की भूमिका पर प्रतिबंधक विचारों के प्रति उनका पालन करने के लिए जैकोबिन की विफलता के साथ वोलस्टोन क्राफ्ट को स्पष्ट रूप से असंपीड़ित किया गया था। 1793 में इंग्लैंड के साथ युद्ध की घोषणा के बाद वोलस्टोन क्राफ्ट फ्रांस में रहीं और उन्होंने एक निर्णय लिया जिसमें उसे अपनी राष्ट्रीयता के कारण संदेह में रखा गया। उस समय उनके प्रेमी अमेरिकी व्यापारी गिलबर्ट इमेले ने फ्रांसीसी अधिकारियों से कहा कि
जोड़ी वास्तव में विवाह कर रही थी। इसका मतलब था कि वोलस्टोन क्राफ्ट को स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होगी। देखिए, ये कथित रूप से कहा जाता है कि एक अमेरिकी व्यापारी से इनके प्रेम संबंध थे, जिनका नाम था गिल्बर्ट इमेले। तो फ्रांसीसी अधिकारियों से उन्होंने कहा, गिल्बर्ट इमेले ने कहा कि जब हम दोनों शादी कर लेंगे तो ये नागरिकता प्राप्त हो जाएगी वोलस्टोन क्राफ्ट को अमेरिकी, ठीक है, ताकि संभव गिरफ्तारी से वोलस्टोन क्राफ्ट की रक्षा हो सके। और इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वोलस्टोन क्राफ्ट को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाए, क्योंकि जब उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी तो वोलस्टोन क्राफ्ट को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इनकी रक्षा की थी वोलस्टोन क्राफ्ट की, गिल्बर्ट इमेले ने। वोलस्टोन क्राफ्ट ने इमेले द्वारा गर्भवती होने के बाद अपने पहले बच्चे एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस दौरान, एक बच्चे को जन्म देने के दौरान भी इन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा और उस लेखन कार्य को वो प्रकाशित भी करती रहीं। इमेले लंदन चले जाने के बाद भी फ्रांस में रहीं। देखिए, इमेले फिर जब लंदन चले गए तो फिर वोलस्टोन क्राफ्ट इसके बाद भी फ्रांस में रहीं, क्योंकि वह नागरिक स्वतंत्रता और इंग्लैंड में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ती हुई कार्यवाही के बारे में जागरूक थीं। 1795 में लंदन में इमेले में शामिल होने के बाद वोलस्टोन क्राफ्ट ने फ्रांस छोड़ दिया, लेकिन उनकी अस्वीकृति से तबाह होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लेकिन जब उनके द्वारा ये प्रारंभ किए गए प्रयासों को असफलता प्राप्त हुई, जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, जब वे उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुई, तो उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। एक बार 1795 में और फिर अगले वर्ष, एक बार 1795 में उन्होंने ये कोशिश की और फिर उसके अगले वर्ष भी उन्होंने ये कोशिश की। इसके उपरांत वह फिर से अपने रचनात्मक कार्यों में फिर से जुट गई और इन्होंने एक बार फिर से लिखना प्रारंभ किया महिला अधिकारों के लिए, और विलियम गार्डविन समेत अपने पुराने सहयोगियों के साथ फिर से परिचित हो गई, और फिर से वे अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और पुनः अपने रचनात्मक कार्यों में जुट गई। पुनः इन्होंने महिला अधिकारों के लिए लेख लिखना प्रारंभ किया ताकि महिलाओं को पूरी तरह से समाज में अधिकार मिल सके, जिसके साथ वह शादी करने गई। और इसके उपरांत इन्होंने दूसरी शादी भी की, जिसके साथ उनका दूसरा बच्चा था, एक और बेटी, और वह बेटी फ्रैंकेस्टीन लिखने लगी। देखिए, इन्होंने दूसरी शादी भी की थी और जिसके द्वारा उनका दूसरा बच्चा भी उत्पन्न हुआ और एक और बेटी पैदा हुई, और उस बेटी का नाम था फ्रैंकेस्टीन, और वो भी अपनी माता की भांति लिखने लगी। चिकित्सीय जटिलताओं के बाद जन्म देने के तुरंत बाद वोलस्टोन क्राफ्ट की मृत्यु हो गई। देखिए, फिर ये दूसरे बच्चे को जन्म देने के दौरान कुछ चिकित्सीय ये प्रॉब्लम हो गई, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो जिसके कारण बच्चे को जन्म देने के बाद वोलस्टोन क्राफ्ट की मृत्यु हो गई। वोलस्टोन क्राफ्ट मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद गॉडविन ने महिलाओं के अधिकारों के एक विरोधाभास के लेखक के अपने संस्मरणों को लिखा। इनकी जब मृत्यु हो गई तो गॉडविन ने महिलाओं के अधिकारों के एक विरोधाभासी लेखक के रूप में अपने संस्मरणों को लिखा, जो उनकी पत्नी के काम का उत्सव था। जो गॉडविन थे, जिनके साथ इनकी दूसरी शादी हुई थी मेली वोलस्टोन क्राफ्ट की, तो जब वोलस्टोन क्राफ्ट की मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देने के दौरान, तो उनके पति ने महिलाओं के अधिकारों के एक विरोधाभास के लेखक के रूप में अपने संस्मरणों को लिखा, जो वास्तव में उनकी पत्नी के लिए एक श्रद्धांजलि का कार्य था। लेकिन अनजाने में उनके प्रेमियों द्वारा अपहृत पहले बच्चे और आत्महत्या के प्रयासों के संदर्भ में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन ये क्या है, वोलस्टोन क्राफ्ट चूंकि इनके थोड़े जीवन में विवादास्पद पहलू भी जुड़े हुए थे, इनके जीवन के साथ कुछ विवादास्पद पहलू भी जुड़े हुए थे, जिसके कारण इनकी कुछ क्षेत्र में आलोचना भी की जाती थी। अतः जो उनके संस्मरण लिखे थे उनके दूसरे पति ने, उनकी रचनाओं में जो संस्मरण का रूप प्रदान किया था, तो चूँकि मैली वोलस्टोन क्राफ्ट का जीवन प्रारंभ में काफ़ी विवादित था, उनका नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ा जाता था जो कथित रूप से उनके प्रेमी कहे जाते थे,
तो और ये भी कहा जाता था कि इनके जो बच्चे हैं अवैध, उनकी अवैध संतान है, और इसी कारण उन्होंने ये भी कहा जाता था, इसी कारण मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तो इन्हीं सब कारणों के चलते इनकी प्रतियों को, इनकी रचनाओं को मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट की रचनाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कठोर सामाजिक बाधाओं और उम्मीदों के बारे में एक प्रदर्शन जो वॉलस्टोन क्राफ्ट ने चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं को एक जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसलिए जीवंत उदाहरण माना जाता है क्योंकि अपने प्रयासों के द्वारा मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ने हमेशा से महिला अधिकारों के लिए एक सशक्त समर्थक के रूप में प्रयत्नशील रही, और उनके सामने जीवन में अनेक बाधाएं भी आईं जिनकी परवाह किए बिना मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट सशक्त रूप से महिला अधिकारों की एक सशक्त समर्थक बनी रही। तो इसी कारण मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट का राजनीतिक चिंतन में एक अमूल्य योगदान है, और आज भी वॉलस्टोन क्राफ्ट को एक ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर और आधुनिक नस्लवादी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। तो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट का जो राजनीतिक चिंतन में योगदान है, एक फेमिनिस्ट थिंकर के रूप में है, और इसी कारण इन्हें नेट के सेलेबस में जोड़ा गया है, और जिसके पीछे उद्देश्य था कि मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट के विचारों से समाज को या राजनीतिक विचारों को अवगत कराना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए इन्हें सिलेबस में जोड़ा गया है। तो मूलतः मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट एक फेमिनिस्ट थी जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए आंदोलनों में भाग लिया और महिलाओं को पुरुषों के ही भांति समान अधिकार दिलाने की ये घोर प्रणेता थी। तो ये था मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट के बारे में वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के PDF नोट्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस के हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी पॉलिटिकल साइंस बाई डॉक्टर शिप्रा वर्मा में है। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और फिर सर्च बॉक्स में जाके पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा लिख के टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर मैं क्विज भी डालती रहती हूँ, PDF नोट्स भी डालती रहती हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक।